गाइस वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफाई पीजे। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन काफी ज्यादा डार्क हो गई है या आपकी स्किन पे कील मुहासे है तो आप इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों वैसे भी गर्मियों का टाइम आ गया है, गर्मियों में बहुत से लोगों की स्किन काफी ज्यादा ऑयली हो जाती है, आप इसे कैसे हटा सकते हो, अपनी स्किन को कैसे आप नॉर्मल कर सकते हो, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में मूव ऑन कर लेते हैं। सो गाइस आज का जो हमारा फेस पैक है वो है अंगूर का फेस पैक। दोस्तों अंगूर का जो फेस पैक होता है वो हमारे चेहरे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अंगूर में काफी मात्रा में पानी होता है जो हमारे चेहरे को हाइड्रेट करता है। दोस्तों इसमें बहुत ही मात्रा में विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है और विटामिन ई होता है, जिससे हमारे चेहरे को काफी ज्यादा जरूरत होती है इन सारे विटामिन की। विटामिन सी जो होता है वो हमारे चेहरे को डार्कनेस से दूर करता है, हमारे चेहरे को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है। और दोस्तों जो विटामिन ई और विटामिन के होता है वो हमारे चेहरे के दाग धब्बे दूर करेगा, साथ ही में हमारे चेहरे में अगर कील मुहासे है तो उन्हें भी रिमूव करेगा। दोस्तों अगर आपकी एज 40 प्लस है तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा फेस पैक है, क्योंकि अक्सर 40 प्लस जो एज होती है उसमें हमारे चेहरे पे काफी ज्यादा झुर्रियां हो जाती है, हमारे चेहरे पे फाइन लाइंस हो जाती है, साथ में हमारी स्किन काफी ज्यादा डल हो जाती है। तो दोस्तों ये जो फेस पैक है वो आपके लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फेस पैक आपको यंग लुक देगा, साथ ही में आपके चेहरे की सारी झुर्रियां फाइन लाइंस को भी दूर करेगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि ये फेस पैक हमें कैसे तैयार करना है। सो गाइस सबसे पहले आपको हरे अंगूर ले लेने हैं, मैंने यहाँ ग्रीन ग्रेप्स ले लिए हैं। इसको आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, जब आप इसे अच्छे से वॉश कर लेंगी तो इसके बाद आपको इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इतना सा फेस पैक आपके लिए काफी होगा, तो आप इसका इतना सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। कम से कम 5 से 6 अंगूर आपके लगेंगे। आप इसका एक अच्छा सा इसको रस निकाल लीजिए, या तो आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकती है या आप इसे घास से भी या कद्दूकस से भी इसका रस अच्छे से आप निकाल लीजिए। इसके रस निकालने के बाद आप इसमें ऐड करिए चंदन पाउडर। दोस्तों चंदन पाउडर जो होता है वो हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, ये आपके इस चेहरे के सनटैन को भी रिमूव करेगा। तो मैं यहाँ लगभग 1 चम्मच चंदन पाउडर इसमें ऐड कर लूंगी। सो गाइस मैंने इसमें यहाँ चंदन पाउडर ऐड कर लिया है, अब मैं इसे अच्छे से इसका एक पेस्ट तैयार कर लूंगी। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार ना हो जाए। सो गाइस आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। इसका आपको एक थिक पेस्ट अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। मैं यहाँ से हाथों से अपने चेहरे पर लगा रही हूँ, आप चाहे तो आप ब्रश की हेल्प से भी इसे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। आप इसकी एक थिक लेयर अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। सो गाइस मैंने इसे अच्छे से अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। सो गाइस 20 मिनट हो गया है और मेरा फेस मास्क एकदम सूख गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी। सो गाइस मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब मैं इसे पैक ड्राई कर लूंगी। सो गाइस मैंने अपना फेस पैक ड्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं कि इसके पहले इस्तेमाल से ही मेरे चेहरे पे कितना अच्छा फर्क पड़ा है, मेरी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है, मॉइस्चराइज लग रही है। इसके बाद आप दो ग्रेप्स ले लीजिए, उसे अपने फेस पे अच्छे से आप लगा लीजिए। इसका जो रस होता है वो हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो मैं इसे अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से इसके रस को लगा लूंगी। आप चाहे तो आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकती है, पर आप अगर अंगूर का रस लगाएंगी तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके फेस के लिए।
सो गाइज आप इसे अच्छे से अपने चेहरे पे लगा लीजिए, उसके बाद आधे से एक घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अपना चेहरा ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हो सके तो आप ये जो फेस मास्क है उसे रात को सोते समय लगाइए, क्योंकि अगर आप इसे सोते समय लगाएंगे तो इसका आप देखेंगे कि सुबह आपके चेहरे पे और भी अच्छा फर्क पड़ेगा। अंगूर का जो रस है वो हमारे पूरी रात हमारे चेहरे के अंदर तक जाएगा, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, सॉफ्ट करेगा, हमारे जो दाग धब्बे हैं दाने हैं उन्हें अच्छे से रिमूव कर देगा। ये बहुत अच्छा फेस पैक है और हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, मिक्स स्किन है तो हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स ये दूर करेगा। और वैसे भी गर्मियों के दिन हो रहे हैं, गर्मियों में अंगूर जो है वो आपके चेहरे को ठंडक देगा, बहुत अच्छा है। हमारी स्किन के काफी ज्यादा बेनिफिट होते हैं अंगूर के, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट चाहिए आप इसे हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करिएगा। 3 बार इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि एक ही हफ्ते में आपकी स्किन कितनी ज्यादा, आपकी स्किन में फर्क पड़ा है, आपकी स्किन कितनी ज्यादा लाइटन हो गई है, ब्राइटन हो गई है, आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, किन मुहासे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा करके आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।